सुपर बात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और घर पे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हिंदी के अलावा दो और पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी व्याकरण और संस्कृत। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप अपना बुक देख लीजिए, ये है आपका हिंदी व्याकरण का बुक। क्या है? अनाया, अनाया हिंदी व्याकरण। अनाया मीन्स क्या होता है बच्चों? अनाया मीन्स होता है लोकप्रियता, जिसमें लोगों को बहुत चाहो, जिसको लोग पसंद करें। ये बुक का नाम है अनाया हिंदी व्याकरण और इसमें आपके पास कुल 22, कितने 22 पार्ट है, कितने पार्ट है 22 पार्ट है, ये विषय सूची है 22। और इसका पहला पार्ट है भाषा एवं व्याकरण, भाषा और व्याकरण, भाषा। आज हम पहला पार्ट करेंगे भाषा। भाषा जानते हो बच्चों आप लोग? भाषा क्या है? भाषा के बिना जीवन। बच्चों, आप अपनी मम्मी के पास या किसी से भी बात करना हो, मम्मी से बात करना हो या उससे बात करना हो, क्लास में किसी से बात करना हो, तो आप किस चीज का प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के बिना हम किसी से बात कर सकेंगे? बच्चों, बिना बोले आप किसी से बात कर सकते हैं? आप और आपका मित्र खड़ा है, आपको अपने मित्र से बात करनी है, क्या आप उससे बिना भाषा के बात कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जब तक आप अपने मुंह से आवाज उसको बुलाएंगे नहीं, हेलो हाय नहीं बोलेंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भाषा का जीवन में बहुत महत्व है। बच्चों, भाषा क्या है? चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। भाषा, जिन साधनों के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या? एक बार आप दोहराइए और इसको नोटबुक पे नोट कीजिए। देखिए, जिन साधनों के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, अपने मन जो हमें बोलना होता है वो किसी के आगे रखते हैं, को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को समझते हैं। बच्चों, जब हम उससे बात करेंगे तो वो भी हमसे बात करेगा, उसके भावों को भी हम समझेंगे तभी बात कर पाएंगे। इसी तरह तथा दूसरों के भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसको आपको नोटबुक में नोट करना है। बच्चों, यह भाषा है जिससे हमारे जीवन में आनंद रूपी पुष्पों की सुगंध प्रदान की है। बच्चों देखिए, मम्मी आपकी माँ खड़ी है और मैं आप खड़े हैं, आपको भूख लग गया, तो आप अपनी माँ को ऐसे करेंगे, ये इशारा करेंगे, माँ भूख लग गया, तो माँ गर्दन हिलाएगी, हाँ खाना बन गया है लेके आती, या ऐसे करेंगे। अभी बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपको और कोई बात, कुछ कुछ बातें हम संकेतों में कर सकते हैं, इशारों में कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन का सभी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ बोलना होगा। जब आपको भूख लगी होगी तो आपको मम्मी को बोलना होगा, माँ भूख लगी है, तब माँ के खाना लेके आएगी। इसी तरह भाषा है, और भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं। भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से आप लोग बताइए? भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सा हुआ है? जिस तरह
मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ और आप सुन के समझ रहे हैं, उसको भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इस रूप में ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे बातचीत, आपस में बातचीत करना, किसी से कहानी सुनना, किसी की बातें सुनना आदि। ये हो गया भाषा का फर्स्ट रूप, मौखिक रूप। मौखिक भाषा। अब दूसरा है लिखित भाषा। कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, कोई चीज हमें, जब दो बच्चों को आपस में बात करनी है, तो क्लासरूम में आप कभी कभी करते हैं ना सालत, जब मैम कहती है आपको बातें नहीं करना है तो आप क्या करते हैं? कॉपी पे लिख देते हैं और दूसरे को दे देते हैं, वो उसको पढ़ के समझता है, उसको कहते हैं भाषा का लिखित रूप। जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के लिखने का साधन लिपि है। कौन सा है? लिपि है। जैसे पत्र लिखना, किसी को पत्र लिखते हैं और वह पढ़ के समझता है, उसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लास्ट है सांकेतिक भाषा। लास्ट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है बच्चों? कई बार हम अपनी बातें संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा करते हैं। जैसे लाल बत्ती, पुलिस जो होता है वाहन, जब रेड बत्ती जलती है तो क्या करते हैं? उसका हम लोग खुद समझ जाते हैं कि इसका मतलब है, इस इशारे का मतलब है हमें गाड़ी को रोकना है। जैसे ही हरी बत्ती होती है हम चलने लगते हैं। ये एक इशारा है जिसको हम समझते हैं, इस तरह इसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। कभी कभी हम संकेतों द्वारा अपने मन की बातों को समझते हैं, इसको भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। बच्चों आज हमने क्या किया? भाषा का किसे कहते हैं और ये कितने रूप होते हैं, इसको आपको नोटबुक में नोट करना है और याद करना है। एक बार मेरे साथ दोहराइए, जिन साधनों के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बच्चों आपका होमवर्क है कि आपको बुक से इसका डेफिनेशन नोट करना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू।